कंधार में भारतीय कौंसल खाना बंद, अमला भी वापस बुला लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा ने अफगानिस्तान में शदीद लड़ाई के बाइस कंधार कौंसल खाने के भारतीय अमले को वापस बुला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान की कंधार के अतराफ पेशकदमी भी जारी है और मुताबिक अफगान हुकूमत को कंधार के अतराफ तालिबान की तरफ से शदीद दबाव का सामना है। अड्डे ना देने का फैसला अटल, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। रावलपिंडी में आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के हवाले से मुनक्किद एक इंतखाबी जलसे से खताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज के इनखला के बाद इस खित्ते की सियासत बदलने जा रही है। अफगान तालिबान अब बहुत सुलझे हुए लोग हैं और ये बंदूक से फैसला करने वाले तालिबान नहीं हैं। कोरोना वबा की शिदत में फिर इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 4% से तजावज़ कर गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना की तशखीस के लिए 48,382 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1980 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। शहबाज शरीफ FIA को किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 25 अरब रुपए जालसाजी से पाकिस्तान से बाहर भेजे। यह रकम वो है जो पता चल गई, असल रकम इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। अर्जेंटाइन ने 28 साल बाद अमरीका कप अपने नाम कर लिया। 1993 के बाद अर्जेंटाइन की टीम पहली मर्तबा किसी बड़े टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुई है। अर्जेंटाइन की टीम मेसी की क़यादत ही में 2015 और 2016 के कोपा अमेरिका कप के फाइनल में पहुंची थी, ताहम दोनों मर्तबा इसे चिली से हराया गया। अजीम शायर कतील शफाई, मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए, असलूब सादा मगर अंदाज ऐसा कि दिलों को छू जाए। कतील शफाई का कलाम आज भी मौसीकी के आसमान पर जगमगा रहा है। कतील शफाई 24 दिसंबर 1919 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरिपुर में पैदा हुए। इनका असल नाम औरंगजेब खान था। अदबी तखल्लुस कतील के साथ अपने उस्ताद शिफा के नाम की मुनासबत से शिफाई लगाया। अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद की शायरी से किया।